वेलकम टू पार्ट 10 ऑफ माई सोलर गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन लिथियम आयन बैटरी पैक्स को जो कराची में डिजाइन और असेंबल हुए हैं बाय दीज टू यंग एंटरप्रेन्योर्स। हम इनकी टेक्निकल स्पेक्स को और इसकी असेंबली को सब कुछ डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं इन बैटरी पैक्स के पीछे कहानी क्या है, हाउ दे केम अप विद दिस आइडिया, और इसके लिए हमें जाना होगा कराची। तो लेट्स गो देयर। तो अब हम आ गए हैं कराची DIY किंग के स्टूडियो। आप देख सकते हैं इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लगाई हुई हैं। यहाँ पे सोलर पैनल की ट्रैकिंग हो रही है, वहाँ पे सोलर पैनल का इन्होंने गैराज गेट भी बनाया हुआ है ऑटोमेटिक। तो ये इनका चैनल भी है YouTube पे, ये यहाँ पे सारी चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ, उन्होंने कैसे बनाया है इनके कराची बेस्ड। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इनके स्टूडियो और आ जाए भाई। सबसे पहले तो हम लोग आपको अपने कारनामे दिखाते हैं जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें बनाते और तोड़ते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो हमारी पुरानी सी वेस्पा थी जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू एन इलेक्ट्रिक वन। और इसके अलावा ये हमारी वो जगह है जिसके अंदर हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, एंड पावर पैक इज़ वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ओवैस भाई आए, आपको हम लोग दिखाते हैं। ये हमारी टूल्स की कलेक्शन है यहाँ पे। ये पावर टूल्स का सारा रैक है, ये हैंड टूल्स का रैक है, और आप नीचे देख सकते हैं आपके भाई वुड वर्किंग से लेके वेल्डर सारी चीज़ें अपने हाथ में उन चीज़ों का स्किल रखते हैं। मुश्तबा जब वेल्डर बना हुआ होता है तो आपका भाई वुड वर्किंग का चीता होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेंट जॉब आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने कहीं बाहर से कराई है, लेकिन ये हम लोगों का शौक है। वी आर गोइंग टू रेस्टोर दिस वेस्पा और हम लोग इसकी भी इलेक्ट्रिक कन्वर्जन कर रहे हैं। मगर आज का टॉपिक जो है वो हमारा ये आप वेस्पा की डेफिनेटली मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। इसको एक मिनट मैं एक्सपोजर ठीक करूँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप इनके चैनल पर देख सकते हैं। मगर आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, सो लेट्स गो टू ग्राउंड फ्लोर। अभी हम आए हुए हैं उस फैक्ट्री में जहाँ पर पावर पैक के इंक्लोजर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लोकल। तो अब्दुल भाई हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ऐसी इंक्लोजर कैसे बनती है। तो अब्दुल भाई क्या? जी हाँ, अब हम लोग मौजूद हैं कराची के अंदर। ये सबसे पहला स्टेप है जिसके ऊपर हम लोगों की इंक्लोजर्स की लेज़र कटिंग होगी, उसके बाद हम लोगों की मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद यहाँ पर पाउडर कोट होता है, एंड देन ऑब्वियसली ब्रांडिंग होती है पूरी इंक्लोजर की। अच्छा, ये पूरा डिज़ाइन हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए किया है, और ये सारा डिज़ाइन मोहम्मद मुश्तबा ने बनाया है। और अभी अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे इस मशीन के अंदर सबसे पहले हम लोगों के पास वो सारा डिज़ाइन मौजूद है जो कि हमारे दोनों बैटरी पैक के मॉडल्स जो कि 2 kWh और 3.2 kWh वाला मॉडल है, उनके पार्ट्स कटेंगे, और उसके बाद ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद यहाँ पे पाउडर कोट होगा, और उस सारे प्रोसेस के बाद हम लोग जाएंगे जहाँ पे हमारी असेंबली स्टार्ट होती है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द होल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द इंक्लोजर। अब हम आ गए हैं पावर पैक के असेंबली एरिया में। यहाँ पर जो है जो इनका इंक्लोजर बन कर आता है वो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर इनकी असेंबली होती है। यहाँ पे लिथियम आयन के सेल्स लगते हैं, उसके BMS लगता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है ना जो आपको मिलती है वो यहाँ पर तैयार होती है। तो यहाँ की हम पूरा देखते हैं इनका क्या प्रोसीजर है, किस तरह का ये इनकी फैसिलिटी है, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और जो भी इनकी चीज़ें ये हमें बताएंगे इन डिटेल। तो सवाद भाई आप मुझे बताएं कहाँ से यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका आता है इंक्लोजर, वो
उस फैक्ट्री देखें, अभी हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ पे हम लोगों ने लेज़र कटिंग और बाकी प्रोसेसेस देखे, उसके बाद सबसे पहले इन्क्लोजर तैयार होकर हमारा इस वाली फैसिलिटी के अंदर आता है जहाँ पे लिथियम आयन सेल और इन्क्लोजर मिल के वो बैटरी बनाते हैं जो कि इंशाल्लाह आपके पास भी लगी होगी ना। अभी हम लोग अपनी छोटी सी ही सही लेकिन अपनी स्टॉकिंग फैसिलिटी के अंदर खड़े हुए हैं जिसके अंदर तमाम हमारे इन्क्लोजर्स, हमारे BMS और वो सारी चीज़ें जो कि बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पे रखी हैं। इसके बराबर में वो वाला रूम है जिसके अंदर हमारा टेबल नंबर 1 है। लेट्स सी कि वहाँ पे अभी हम लोगों का क्या प्रोसेस चल रहा है। पावर पैक एक स्मार्ट बैटरी पैक है जिसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ना सिर्फ मेक श्योर करता है कि आपको तमाम सेफ्टीज़ अवेलेबल हो, बल्कि हम लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस को मेक श्योर करने के लिए हार्ड केसिंग वाले लिथियम आयन सेल्स इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे सेल्स को हम लोग पहले तो स्टैक करते हैं ताकि हम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना सकें जिसके ऊपर पूरी बैटरी मुश्तमिल हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल ब्लॉक दैट बिल्ड्स द होल बैटरी पैक। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बाद में जो हम वारंटी दे रहे हैं कस्टमर को, अगर वो हमारे पास आती है तो हम लोग को उसको इंटरटेन आराम से कर सकें, और अगर उसके अंदर कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर मसला होता है तो हम लोग उससे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकें ना। ये वो सेल है जो हमारी बैटरीज के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है और इसके अराउंड पूरी बैटरी बनी हुई है। सेम सेल हमारा 2 किलोवाट आर वाले वेरिएंट और 3.2 किलोवाट आर वाले वेरिएंट के अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है। इसकी पहले तो टेबल नंबर 1 के ऊपर हमारी स्टैकिंग होती है, उसके बाद वही स्टैक हमारा टेबल नंबर 2 या स्टेशन नंबर 2 के ऊपर आता है जिसकी हम लोग स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। उस स्पॉट वेल्डिंग के बाद ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि हमारे सारे सेल अपनी बैटरी के स्ट्रक्चर के अराउंड बिल्ट करना शुरू हो जाए, जिसके लिए हम लोग एक ऐसे स्ट्रक्चर का डिज़ाइन और इंतखाब किया है जिसके अंदर कोई भी नट बोल्ट मौजूद नहीं है। मुझे पता है आप ये सुन के हैरान हो रहे होंगे कि देर आर ऑलमोस्ट 40 पैक्स इन 3.2 किलोवाट आर वेरिएंट, हर पैक के अंदर 7 सेल हैं एंड स्टिल वी आर नॉट यूजिंग अ सिंगल नट बोल्ट ताकि हम इस बैटरी को आपस में स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकें। उसके लिए हम लोग बेसिकली एक क्लैंपिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया हुआ है टू मेक श्योर के बाद में बैटरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस आसान हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं तो बाकी टेबल्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मौजूद हैं टेबल्स और मेरे सामने एक टेबल मौजूद है, इसके ऊपर हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि इंडिविजुअल सेल ऑल्दो इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ ड्रेन, लाइक 40 एम्पेयर का करंट ये एक सेल दे सकता है, स्टिल टू मेक श्योर कि कोई फायर हैजर्ड ना हो या कोई और हमारे पास शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन क्रिएट ना हो, हम लोग यहाँ पे एक निकल कोटेड कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ आल्सो नोन एज फ्यूज वायर इन द इंडस्ट्री। ये मेक श्योर करता है कि इन केस अगर हमारा BMS फेल करता है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, हमारा ब्रेकर भी फेल कर जाता है, स्टिल द मेन बसेस जो कि हमारी यहाँ पे सॉल्डर की जा रही हैं वो मेन बसेस भी हमारी फ्यूज़ वायर से प्रोटेक्टेड हो। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के बाद, सारी वायरिंग करने के बाद, यहाँ वाली बेंच के ऊपर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो इस वक्त बैटरीज़ खड़ी हैं मेरे बराबर में, ये बैटरीज़ बैलेंस कनेक्शन के लिए तैयार की जा रही हैं। अब इन बैलेंस कनेक्शन को तैयार करने के बाद हम लोग अगली बेंच पे जाते हैं जिसके ऊपर हम लोग फ्रंट और रियर प्लेट्स लगाते हैं बैटरीज़ की, और उन प्लेट्स को लगाने के बाद हम लोग मज़ीद एक्सटर्नल वायरिंग की तरफ जाते हैं जो कि मुश्तमिल होती है हमारी श्नाइडर के ब्रेकर के ऊपर, हमारा BMS की वायरिंग के ऊपर, और उन तमाम चीज़ों को भी हम लोगों ने अपनी बैटरी पैक के अंदर लेबल किया है सो दैट इट्स ईजी फॉर योर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन के आप उस बंदे से भी हमारी बैटरी पैक इंस्टॉल करवा सकें। ऑल्दो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। सो ये हम लोगों का एक छोटा सा असेंबली का ओवरव्यू है और लेट्स सी कि हम लोगों की यहाँ पे स्टॉक में अभी और बैटरीज भी मौजूद हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा 3.2 किलोवाट आर वाले वेरियंट है ना, ठीक है, ये ऑलमोस्ट रेडी टू बी बॉक्स पैक्ड है, बट बिफोर दैट हम इसकी मज़ीद टेस्टिंग करेंगे टू मेक श्योर कि जो बैटरी आप तक डिलीवर हो इट्स अप टू द स्टैंडर्ड जैसा डाटा शीट और प्लस
वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग दिस होल प्रोडक्ट वॉज के हम लोग किसी भी कस्टमर को नेग्लिजेंस या पर्दे में ना रखें, बल्कि हम लोगों ने अपने मॉडल्स की जो नेमिंग की है वो भी इस तरह की है कि हम लोगों ने 2 किलोवाट आर का एक मॉडल बनाया और 3.2 किलोवाट आर का एक मॉडल बनाया ना, सो दैट एवरी कस्टमर नोज कि अगर उसका एक सर्टेन लोड है तो वो कितने घंटे तक अपनी बैटरी से एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो उसको ड्राइव करे। ठीक है, अब ना हम लोग इसके अंदर हेरा फेरी कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। यू विल नो कि अगर आप कोई 1 किलोवाट का लोड चला रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर तो 3.2 किलोवाट आर वेरिएंट मस्ट लास्ट फॉर 3.2 आवर्स एंड अकॉर्डिंगली द 2 किलोवाट आर मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल हम लोगों की रियर और फ्रंट प्लेट बैटरी की यहाँ पे बंद की जा रही है। इसके लिए हम लोग रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं टू मेक श्योर के, जैसा कि आप लोगों ने अवैस भाई के सेटअप पे देखा था कि यहाँ से मतलब कराची से इस्लामाबाद तक बैटरीज पहुँच गई थी एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल डेंट या कोई पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी ख़राबी नहीं थी। वो इसी वजह से थी कि रिवेट्स मेक श्योर के स्ट्रक्चर अपनी जगह पर रहे। इसके अलावा इस प्रोसेस के बाद हम लोग यहाँ पर ये वाला BMS इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे BMS अवेलेबल हैं। एक और BMS मैं आपको दिखाता हूँ, आप साइज़ के हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड यू कैन विजिट योर लोकल मार्केट एज वेल। तो यहाँ पे एक ये भी BMS अवेलेबल है एंड दिस इज़ द वन दैट वी हैव चूसन फॉर आवर बैटरी। इट कम्स विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इसके अंदर वो तमाम फीचर्स हैं दैट विल मेक श्योर दैट यू आर परचेजिंग द राइट प्रोडक्ट। ना सिर्फ इसके अंदर सेल हम लोगों ने अच्छे इस्तेमाल किए हैं, उनकी सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। एंड वन लास्ट थिंग, इससे पहले मेरा गला खुश्क हो, यहाँ पे हम लोगों ने उवैस भाई ने हमसे पूछा था कि इसके बाद भी क्या सेफ्टी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर लिथियम आयन बैटरीज दिस प्रीवियस स्टेप वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन हम लोगों ने एक और स्टेप लिया टू मेक श्योर कि हमारी प्रोडक्ट ना सिर्फ कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद हो, उसे ख़राब ना किया जा सके, बट ये सारा प्रोसेस बैटरीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो, ना कि बैटरीज़ को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल हो। तो हम लोगों ने एक और लेयर इसके अंदर ऐड की है प्रोटेक्शन की, जो कि वो DC का ब्रेकर है जो कि अक्सर लोग 10-10 लाख रुपए के सोलर सिस्टम लगाते हैं लेकिन दे हेजिटेट ऑन इंस्टॉलिंग दिस ब्रेकर। तो हम लोगों ने ये भी अपनी प्रोडक्ट के अंदर BMS के बाद इंस्टॉल किया है टू मेक श्योर कि अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो ये पहले ही स्टेज पे इनकाउंटर हो जाए। 3.2 किलोवाट आर वाले यूनिट में हमारे पास 280 सेल्स हैं और 2 किलोवाट आर वाले पैक में हमारे पास 168 सेल हैं। इन सारे सेल को एक यूनिट बनाने के लिए हमने एक क्लैंपिंग सिस्टम हमारे बैटरी के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किया है, जो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करता है और असम्बली को भी आसान करता है। इसके अलावा इसकी रिपेयर को भी इस तरह आसान करता है कि फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में किसी एक पैक को रिप्लेस भी करना होता है तो हम पूरे स्ट्रक्चर को अनक्लैम्प करके वी कैन चेंज द सिंगल यूनिट ऑफ अ सेल। इस स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा है कि ओवरऑल कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कोई अगर नट बोल्ट इसमें इस्तेमाल हुआ होता और वो ढीला हो जाता तो इस बैटरी की फॉर्मेशन कुछ इस तरह हो जाती या उसको बैटरी को डैमेज करती। क्लैंपिंग सिस्टम का यही फ़ायदा है कि इसने ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है ना स्ट्रेंथन किया हुआ है और बैटरी को एक तरह से यकजान किया हुआ है। हमने सारा प्रोसेस देख लिया कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। अब मैं वो सवाल पूछता हूँ जो आपके दिमाग में भी होंगे एज अ कंज्यूमर, क्योंकि वो मेरे दिमाग में भी थे व्हेन आई वाज बाइंग दिस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट की वारंटी आप कितनी दे रहे हैं? दोनों मॉडल्स की वारंटी 2 साल की है एंड इट्स अ रिप्लेसमेंट वारंटी। ठीक है, दूसरा ये कि आप इसमें जो ये सेल हैं, एक सेल आप मुझे दिखा भी रहे थे, वो किस कंपनी का बना, कौन सी कंपनी? बेसिकली ये 21700 पैकेज का लिथियम आयन सेल है और ये सोनी मोराटा का सेल है। तो इसके अंदर ये वही सोनी है जो हमारे घरों में TV वगैरह। एग्जैक्टली ये वही सोनी है जिसके मिररलेस कैमराज हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं जी। तो ये उनकी बैटरी है जी। आप इसकी लाइफ साइकिल क्या क्लेम करिए सोनी? इसकी लाइफ साइकिल है 2000 साइकिल पर सेल। तो ठीक है, अब 2000 साइकिल को मैं अगर लेमन टर्म में आपको बताऊं तो 2000 चार्ज से डिस्चार्ज, अब 365 डेज होते हैं एक साल में, 2000 को हम 365 से डिवाइड करें
तो बनता है 5.5 साल। 5.5 साल इसकी लाइफ होनी चाहिए अगर आप इसको रोज़ डिस्चार्ज करें। बट इन रियल वर्ल्ड आप इसको रोज़ डिस्चार्ज नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसको तब डिस्चार्ज करेंगे जब लोड शेडिंग होगी। तो इन थ्योरी इसकी ज़्यादा लाइफ होनी चाहिए देन 5.5 साल। सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ वारंटी अगर हो जाती है 2 साल बाद, उसके बाद इसकी मतलब मेंटेनेंस कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, क्या इसकी रिपेयरेबिलिटी, क्योंकि आपने तो उसको बड़ा अच्छा मॉड्यूलर बनाया है, हाउ इज़ दैट गोना अफेक्ट एंड कंज्यूमर वारंटी के बाद रिपेयरेबिलिटी में और मेंटेनेंस कॉस्ट में? देखिए, यहाँ पे हम लोग आई थिंक के मार्केट में अवेलेबल बैटरीज लिथियम बैटरीज के ऊपर एज लेके जाते हैं, क्योंकि बिकॉज हम लोग इस पूरे सेटअप के ऊपर इस पूरी बैटरी को ना सिर्फ हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है बल्कि हम इसे असेंबल भी यहाँ पे खुद कर रहे हैं। तो इन केस अगर 2 साल के बाद कोई बैटरी हमारे पास वारंटी पे आती है तो डेफिनेटली बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने मेक श्योर किया है कि फॉल्ट सेल तक पहुँचने से पहले ही जो है इनकाउंटर कर लिया जाए ना, लाइक फ्यूज़ वायर के थ्रू। तो इट डिपेंड्स के बाद में वारंटी किस चीज़ की आती है। अगर वो कोई छोटा मोटा कंपोनेंट होता है तो उसी के हिसाब से हमारी जो है वो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ सर्विस और कॉस्ट ऑफ पार्ट। तो यहाँ पे हम लोगों की इंशाल्लाह सर्विसेज अवेलेबल होंगी इवन आफ्टर 2 ईयर्स। सर्विसेज से एक और सवाल ये है कि आपकी सर्विसेज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डिलीवर कर रहे हैं? मेजर सिटीज़ में पाकिस्तान के हम लोगों की सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। हमारी अपनी टीम्स हैं जो कि इन बैटरीज़ को मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रही हैं। ठीक है, तो, और डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान? और डिलीवरी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान है। ठीक है, और अगर क्योंकि बहुत सारे सोलर वेंडर्स भी मुझे देखते हैं, तो अगर वो आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं इन 3 सिटीज़ के अलावा, अगर हैं वो इंस्टॉल करना चाहते हैं बिकम ऑफिशियल वेंडर, तो वो भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? येस, मोर देन वेलकम। और इवन वी आर लुकिंग फॉर कोलेब्रेशन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ देम। तो अगर कोई भी इस टाइप की कोलेब्रेशन के लिए हम लोगों को रीच आउट करना चाहता है, और इवन इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज एनी ऑफ दीज मॉडल्स, यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू आर वेबसाइट विच इज़ powerpack.com.pk। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आई होप कि वैस भाई हमारे सारे कॉन्टेक्ट की, अगर मैं तब डालूंगा अगर आप मेरे फॉलोअर्स को कुछ कंसेशन देते हैं। डेफिनेटली, देखें, नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर और फॉर सपोर्टिंग अस इज़ के हम लोगों ने जो पर किलोवाट आर प्राइस रखी है अपनी लिथियम आयन बैटरी की विद ऑल द हाई क्वालिटी फीचर्स दैट यू हैव इंटीग्रेटेड इन टू द डिज़ाइन, वो बाकी अवेलेबल बैटरीज, लिथियम बैटरीज जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से वो पर किलोवाट आवर कॉस्ट 20-25% इट्स ऑलरेडी लेस देन देम। ठीक है, एंड अबव दैट फॉर योर कंज्यूमर्स जो कि उवैस भाई के फॉलोअर्स हैं, वो उवैस भाई का लिंक और प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं इंस्टॉलेशन और डिलीवरी चार्जेस अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि इट्स अ हैवी प्रोडक्ट और आजकल शिपिंग कॉस्ट they are skyrocketing. Yes. तो ठीक है, 50% ऑफ डिलीवरी और इंस्टॉलेशन पे दे रहे हैं ये। आपको लगेगा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बट इनको बता दें मैंने खुद खरीदा है, पैसे दिए आपको नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज़ मेरा हमेशा से होता है कि कोशिश करूँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, देखें कितने यहाँ पे जॉब्स क्रिएट किए इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने दे मेड द एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक अ प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। ऑफकोर्स सेल जो है वो चाइना से आ रहे हैं फ्रॉम सोनी, जो मेन इसका हार्ट है, बट जो बाकी जो चीज़ें भी इन्होंने की हैं बहुत अटेंशन टू डिटेल है, बहुत इन्होंने मेहनत की है, विच इज़ वाई आई लाइक टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। तो मैंने ये पहले परचेज़ की हैं और दैट्स माई शो ऑफ सपोर्ट, और ये वीडियो भी एज ही इज़ अ फेलो यूट्यूबर एज वेल, तो इनका भी यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई होप कि आपको अगर ये चीज़ प्रोडक्ट पसंद आई है, इसलिए मकसद यही था दिखाने का सारा कि आपके लिए सब खोल की पूरा एक्सप्लेन किया जाए। लोग यहाँ पे बहुत कहते भी हैं पाकिस्तान में मेड इन असेंबल्ड इन पाकिस्तान, मगर होता नहीं है, चाइना से ज़्यादातर सोलर चीज़ें डायरेक्ट बन के आ रही हैं। तो आई एम ग्लैड कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और मकसद मेरा यही था दिखाने का आपको सबको कि ये एक्चुअली यहाँ पर काम हो रहा है इसका। तो यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर मैं और डिटेल्स डाल दूँगा। तो अब देखते हैं कि घर पर जो मेरी इंस्टॉलेशन हो रही है वो कैसे होती है, और अगर आप इसको प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो किस तरह डिलीवर होती है इस्लामाबाद में।
ये 24 वोल्ट में क्यों बनाई है सेक्स? अच्छा, इन बैटरीज को 24 वोल्ट में बनाने का एक रीज़न ये था कि हमारे पास 3 और 4 किलोवाट के ऐसे इन्वर्टर हैं सारी कंपनीज के जो कि 24 वोल्ट की रेटिंग के अंदर चलते हैं ना. सो द डिज़ाइन आइडिया बिहाइंड बिल्डिंग दीज बैटरीज वॉज के हम सारे इन्वर्टर्स को इंटरटेन करें ना. 24 वोल्ट का हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है विच इज़ अवेलेबल इन 3.2 किलोवाट आवर वर्जन एंड 2.0 किलोवाट आवर वर्जन ना. और ये सारे बैटरीज 24 वोल्ट की रेटिंग के अंदर आते हैं ना. और तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है और फिलहाल वेस्ट भाई के हम 48 वोल्ट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग दो बैटरीज को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे विच मेक्स 48 वोल्ट डीसी विच इज कंपेटेबल विद द 5 and 6 किलोवाट इन्वर्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट. और इसका जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेट है, एक बैटरी के ऊपर हमारा डीसी ब्रेकर अवेलेबल है, दूसरे के अंदर बीएमएस अवेलेबल है. यहीं पे हमारे पास एक फिज़िकल इंडिकेशन मौजूद है जिसके थ्रू आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बैटरी किस स्टेट के दरमियान लाए कर रही है, जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इनटू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ गेटिंग इनटू मोबाइल ऐप और यूजिंग द बीएमएस ना. तो ये है बेसिक लेआउट. आगे हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं. लेट्स सी के दीवार के ऊपर जाके बैटरीज कैसी लगी. अच्छा, ये हम लोगों ने बैटरी पैक को दो तरह से माउंट कर सकते हैं ना. दूसरी माउंटिंग वॉल माउंटिंग है जिससे आपको नीचे थोड़ी सी क्लियरेंस मिल जाएगी. टू मेक श्योर के सारे होल्स माउंटिंग होल्स बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में आए, उसके लिए हम लोगों ने ये रियल कोने स्कैन पेपर प्रिंट करवाया है ताकि आपको बैटरी के पूरे लेआउट और उसकी माउंटिंग का अंदाज़ा हो जाए. अब आप देख रहे हैं अटेंशन टू डिटेल, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ इन्होंने कवर की हुई है और पाकिस्तान में आपको उस तरह की अटेंशन टू डिटेल बहुत कम कंपनीज मैंने देखा है जो इतना फोकस करें. तो दैट शुड टेल यू अ लॉट अबाउट द कंपनी. सो मैंने ये लेवल करके एक लाइन लगा दी है, टिकली जो लाइन उन्होंने लगाई है लेवल करके, बस इन्होंने अब डबल टेप इन्होंने पीछे से हटाया है और जो स्टिक करना है उनको सारी जो माउंटिंग ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएंगी. It's a genius idea, simple and even. Love it. बस आपको मेक श्योर ये करना है कि बीच में कोई रिंकल्स ना आए, इसीलिए टेप अंदर दिया हुआ है ना. अब ये होगा कि क्योंकि 1:1 इसके लिए ड्राइंग है तो हमारे पास वैसे में यहाँ दिखाइएगा, यहाँ पे 3-way हैंगिंग के लिए कैविटीज बनाई हुई हैं. 2 कैविटी यहाँ पे हैं, 2 बिल्कुल नीचे हैं. इसके अंदर ना सिर्फ आप बैटरी को वर्टिकली हैंग कर सकते हैं बल्कि इसको दिस साइड और दैट साइड भी हैंग कर सकते हैं अगर आपकी वॉल की कुछ इस तरह की लिमिटेशन है. दैट इज़ व्हाई आप जनरली अप्लाइंसेस के अंदर देखते होंगे ये एक थर्मोमीटर टाइप की शेप बनी होती है कि आपका बोल्ट यहाँ से अंदर जाएगा और फिर अपवर्ड स्लाइड कर जाएगा, जबकि हम लोगों ने ना इसे दोनों साइड पर किया है ताकि कोई सर्वर या कॉल सेंटर के लेवल की इंस्टॉलेशन है उसके अंदर ज़्यादा बैटरीज आएंगी तो आप उसे साइड वाइज भी माउंट कर सकते हैं. तो आपका बोर्ड है साइड पर आ गया.
देखिए बेसिकली बैटरीज स्मार्ट लिथियम बैटरीज इस वजह से कहला रही हैं क्योंकि ये एक स्मार्ट मोबाइल की ऐप के साथ कनेक्टेड है। आपके पास सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि आपकी बैटरी कितने परसेंट पे खड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं जिसको आप इन डेप्थ रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि ये करंट शो कर रहा है पॉजिटिव फिगर कि ये बैटरीज फ़िलहाल सोलर से चार्ज हो रही हैं। इसके अलावा आपका टोटल वोल्टेज कितना है या आप पावर भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 2200 वाट की पावर इस वक्त हमारी बैटरी के अंदर सेफ हो रही है। ठीक है, आपके पास जो 7 सेल हैं टोटल एक पैक के अंदर, उनका हाईएस्ट और लोएस्ट वोल्टेज दिखा रहा है, वोल्टेज डिफरेंस दिखा रहा है और ये साइकिल इंडेक्स दिखा रहा है। 12.8 किलोवाट आवर का ये कंप्लीट पैक है। वंस यू आर गोइंग टू यूज़ 12.8 किलोवाट आवर्स ऑफ बैकअप तो ये एक साइकिल काउंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बैटरी का टेम्परेचर आ रहा है और ये सारे इंडिविजुअल सेल, क्योंकि 2 सेट आपस में कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो ये सारे इंडिविजुअल सेल ऑलमोस्ट 14 सेल्स हैं जिनका इंडिविजुअल वोल्टेज यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। बहुत सी और चीज़ें इसके अंदर, जैसे आप इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके अंदर ऑटो बैलेंस का फीचर है, अगर हम इसे एक्टिवेट करेंगे तो अच्छे BMS के अंदर एक्टिव और पैसिव बैलेंसिंग होती है जो कि ये इंडिविजुअल सेल को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे मुख्तलिफ कर्व्स लाइक आपकी एम्पेयर आर की कैपेसिटी वर्सेस आपके वोल्टेजेस और मुख्तलिफ चीज़ें लाइक टेम्परेचर, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आपके पास सेफ होती रहेंगी। यह टेम्परेचर बता रहे इसमें टेम्परेचर में भी है क्योंकि बड़ा वो लिथियम आयन के साथ लोगों को बड़ा डर लगता है। देखिए इसके अंदर ना ये यूज़र रहता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करता चलूँ कि कुछ चीज़ें डिटेल्स में इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, सो दैट द यूज़र वॉन्ट डिस्टर्ब द बेसिक सेटिंग्स ऑफ द बैटरी पैक्स। हाँ, अब इसके अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि टेम्परेचर, तो हम लोगों ने इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस के करीब सेट किया हुआ है ना, एंड वंस इट ड्रॉप्स डाउन टू अ सर्टेन लेवल तब जाके खुद BMS अपना आउटपुट ऑन करेगा, अदरवाइज इन केस ऑफ एनी मेलफंक्शन लाइक आपका ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज हो गया, आपका ओवर टेम्परेचर हो गया, इवन सर्द इलाकों में अगर अंडर टेम्परेचर की भी शिकायत आती है तो ये पूरी रेंज के अंदर ही सिर्फ ऑपरेट करने देगा लिथियम ऐप को कि ये आगे आउटपुट दे सके, अदरवाइज जो है ये उसका आउटपुट कट ऑफ कर देगा। बाकी आपका बेसिक इंटरफेस ऑपरेशन टेम्परेचर क्या रखा है आपने इसका? इसका देखिए मैक्सिमम -10 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक स्टैंडर्ड है, डिग्री सेल्सियस जी, डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा वोल्टेजेस जो लिथियम बैटरीज के स्टैंडर्ड होते हैं लाइक 3 वोल्ट अप टू 4.2 वोल्ट, वो उसी ब्रैकेट के अंदर है। इन केस ऑफ ओवर एंड अंडर वोल्टेज ये चीज़ शट डाउन हो जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे हमने अभी बैलेंस फंक्शन ऑन किया था, तो अभी इंडिविजुअल सेल्स जो कि यहाँ पे मौजूद हैं इनका देखें मुख्तलिफ करंट आपस में शेयर हो रहा है ताकि ये वोल्टेज डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मिनिमम रहे। ठीक है, और इसके अलावा आप फिलहाल क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं तभी यहाँ पे फिगर पॉजिटिव है और ये दिखा रहा है कि अगर हम इसी करंट से दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 एम्पेयर्स ऑफ करंट हम चार्ज करते रहेंगे तो 2 घंटे का टाइम लगेगा एस्टिमेटेड, विच इज़ द एस्टिमेटेड चार्जिंग टाइम ना, क्योंकि अभी हम 44% पे खड़े हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फर्स्ट करें रात का वक्त है सोलर नहीं अवेलेबल तो हम लोग यहाँ पे बैटरी को ड्रेन कर रहे होंगे, उसकी निशानी होगी कि करंट की फिगर नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब आप कि जो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे मेंशनड है वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगी और वो ड्रेन होते होते आप एक गिवन लोड के ऊपर लेट से 2 किलोवाट का अभी तो चार्जिंग हो रही है ना, 2 किलोवाट की डिसचार्जिंग शुरू हो जाए तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी और यहाँ का आपका एस्टिमेटेड टाइम आ जाएगा कि आप उस लोड पे बैटरी को कितनी देर तक ड्रेन कर सकते हैं। देखिए ये एक इंस्टॉलर ऐप है जिसका हमने इससे पहले जिक्र किया था, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए हैं जो कि टेक्निकल साइड से बिलोंग करते हैं और बैटरी की मज़ीद डिटेल्स के अंदर कस्टमाइज सिस्टम के ऊपर लगाना चाहते हैं। आप जैसे कि ये देख सकते हैं ना, ये 3 decimal फिगर्स के अंदर इंडिविजुअल वोल्टेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे एक और decimal फिगर ऐड हो गई है जिससे वोल्टेज डिफरेंस शो हो रहा है ना, प्लस चार्जिंग और डिसचार्जिंग का स्विच है डिसकनेक्ट करने के लिए मैनुअली बैटरी, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पैरामीटर्स, वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको आप इस बैटरी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं।
वंस वी आर गोइंग टू कन्फिगर दीज पैरामीटर्स इन द इंस्टॉलर ऐप, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूज़र ऐप के अंदर ना। अब जैसे ये देखें, ओवर वोल्टेज रिलीज़ के अगर इन केस बैटरी ओवर वोल्टेज हो जाती है, जब तक कि बैटरी इस वोल्टेज के अंदर नहीं आएगी, ये तब तक खुद ही स्विच ऑन नहीं करेगी। तो इन लेमैन टर्म्स या स्लो सोलर इंस्टॉलर्स या यूज़र्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी मार्केट में जो है बहुत बड़ी कंपनीज की वो मिलती हैं, मगर उसमें ये इतना स्मार्ट फीचर्स नहीं होते जो लिथियम आयन मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। आई थिंक जो आपका वो सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, वो ये कि ये स्मार्ट फीचर्स जो हैं, ये आपका स्मार्ट लिथियम आयन बैंक है, इट्स नॉट जस्ट अ लिथियम आयन बैंक। नंबर वन। नंबर टू, सोलर इंस्टॉलर्स अगर ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो एक कस्टमर सर्विस अगर सोलर इंस्टॉलर, सोलर कंपनी अगर आपके पैक्स लगाती है, तो कौन से ऐसे फीचर हैं जो वो अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं थ्रू दिस ऐप? देखें, इसके अंदर ना कुछ इस तरह के फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास बैंक मौजूद है फ़िलहाल तो 48 वोल्ट के सेटअप के अंदर लगे हुए हैं ना, लेकिन इसके BMS के अंदर हम लोगों के पास ऐसे ऑप्शन भी मौजूद हैं जो कि हाई वोल्टेज UPS, लाइक दिस इज़ 48 वोल्ट सिस्टम, इट कैन गो अप टू 72 वोल्ट कॉन्फ़िगरेशन इन बोथ 3.2 वेरिएंट एंड 2.0 वेरिएंट ना। तो वो सारे BMS इस्तेमाल करने के लिए आपके पास यहाँ पे वोल्टेज की सेटिंग्स को आपको चेंज करना होता है। जनरली क्या होता है कि मार्केट के अंदर ना आपके बहुत जेनरिक से BMS होते हैं ना, लाइक अगर मैं लिथियम आयन का 48 वोल्ट का BMS इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो सिर्फ उसके लिए ही डेडिकेटेड बना होगा ना, ठीक है। उसके अंदर ना आप अपर और लोअर वोल्टेज लिमिट को चेंज कर सकते हैं, एंड इट्स फॉर सेफ्टी रीजंस ना। अब जैसे ये हम लोगों ने दो ऐप्स रखी हुई हैं, तो यहाँ पे भी आइसोलेशन हो जाती है कि यूज़र वॉन्ट मैसअप के उसके अंदर कोई गलत सेटिंग हो जाए या कुछ हो जाए, स्टिल वो सेटिंग्स भी एक सर्टेन लिमिट के अंदर की जा सकती हैं जस्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑन द बैटरी पैक। और इसी तरह किसी भी लिथियम आयन बैटरी, सिर्फ हमारी लिथियम आयन बैटरीज में नहीं, किसी भी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ही होता है कि उसे ना कभी ओवर वोल्टेज किया जाए ना कभी अंडर वोल्टेज किया जाए, और दूसरा होता है टेम्परेचर का फैक्टर। और लोगों के अंदर थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन है कि सिर्फ हाई टेम्परेचर्स थोड़े से डेंजरस होते हैं, इवन लो टेम्परेचर्स कैन बी डेंजरस। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ऐप्स के दरमियान आइसोलेशन करके हम लोगों ने इंस्टॉलर और यूज़र एंड पे दोनों इंटरफेस प्रोवाइड किए हैं, सो यू कैन कॉन्फ़िगर द बैटरी पैक्स इजीली और यूज़र एंड सिर्फ जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर सके। सो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। तो मैं तकरीबन 4 महीने से ये बैटरी पैक्स यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने प्लान किया था फिल्म करने का, बड़े ज़बरदस्त टाइम पे फिल्मिंग हो रही है, क्योंकि आप देखें अभी हमें वापडा से 120 वोल्टेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, अभी बल्कि 110 थे, और अभी हमारा जो है सब कुछ बैटरी पर चल रहा है, ठीक है। और हम अभी मुझे बल्कि अभी हम स्टूडियो में फिल्मिंग कर रहे थे और मुझे पता नहीं था कि ये वोल्टेजेस डाउन हुए में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया था, और हर चीज़ जो हमारी है बैटरी पर चल रही थी, एसी वगैरह सब कुछ। तो मेरा 4 महीने का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है, बट ऑन उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बैटरी पैक्स प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मगर उससे ज़्यादा मुझे पसंद आई है इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़, वो इसके पीछे जो बंदे हैं, अब्दुलसमद और मुश्तबा, 30 साल और 23 साल के यंग टैलेंट है, पाकिस्तानी टैलेंट है, और ये हमारे हीरोज़ होने चाहिए। अब हमें जो है ना, हम बहुत सारे जो हैं प्रैंक यूट्यूबर्स को लुकअप करते हैं, मगर वी नीड टू लुकअप टू दीज DIY यूट्यूबर्स जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब्दुलसमद जो है वो NED ग्रेजुएट हैं इन अप्लाइड फिज़िक्स इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, और जो मुश्तबा हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ाई की हुई है। तो दीज आर एजुकेटेड पीपल हु आर इन पाकिस्तान लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, और इसी तरह की अप्रोच और इसी तरह का हमें जज्बा चाहिए टू गेट पाकिस्तान आउट ऑफ द क्राइसिस, जो भी हमारा भी क्राइसिस चल रहा है। हम अभी हर बंदा जो है बस चाइना से चीज़ उठाता है और ले आता है, क्योंकि इट्स चीपर एंड इट्स ऑल्सो ईजियर टू डू, मगर इन्होंने जो एफर्ट लगाया है इसमें, इन्होंने जो फैक्ट्री में लेज़र कटिंग हो रही है वहाँ जॉब्स क्रिएट किए हैं, अपनी असेंबली एरिया में जॉब्स क्रिएट की हैं, एक जेन्युइन लोकल प्रोडक्ट इन्होंने इसमें क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन इसकी की है। दिस इज़ नॉट ईजी, इनको 1.5 साल लगा है इस प्रोडक्ट को बनाने में, सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाने में। इससे पहले इन्होंने बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, टाइम लगाया है,
तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली इन लोगों को कोशिश करें, सपोर्ट करें, ठीक है, इन एनी वे पॉसिबल। या तो आप प्रोडक्ट खरीदें, आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, आपका कोई, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप इनको अपना स्क्रीन टाइम दें, ठीक है, आप कोई पॉडकास्ट है उनको उस पर बुलाएं, इनको, इनकी बहुत सारी जो इनकी बैक स्टोरी है वो हमने इस वीडियो में कवर नहीं की है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप उनको यूनिवर्सिटी पे गेस्ट लेक्चरर के तौर पे बुलाएं, ताकि जो नए आने वाले ग्रेजुएट्स हैं उनसे, इनसे इंस्पायर हों, ठीक है। अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं तो कोई शरबत का स्टॉल खोलने के बजाय मे बी दे शुड, यू नो, थिंक अबाउट मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक दीज, जो आजकल का ज़रूरत भी है, डिमांड भी है मार्केट में, एंड होपफुली यू नो उनको कोई इंस्पिरेशन आए या कोई आइडिया आ जाए। लेट्स से आपके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है या आपकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि आप इनको सपोर्ट कर सकें, तो आप सिर्फ चंद जुमले, पॉजिटिव जुमले इनकी अप्रिसिएशन के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए, या तो कमेंट्स में डाल दें या इनको ईमेल कर दें, इनके यूट्यूब पे जाके इनको कमेंट कर दें, मगर प्लीज़ इन लोगों को हौसला दें, इनको अप्रिशिएट करें। और इस तरह के और भी कोई अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं मेड इन पाकिस्तान, उनको प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आई नो इट्स नॉट ईजी इन पाकिस्तान, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बहुत हर्डल्स होते हैं, और इन सबको इन्होंने इन सबको ओवरकम किया है। दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मैं इनके घर भी गया हुआ हूँ, मैंने सब पूरा सेटअप देखा हुआ है, कोई दीज आर यू नो दीज शुड बी आर हीरोज। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज की जो वीडियो है इनके ऊपर थी, इनके प्रोडक्ट के ऊपर थी, और अभी भी इनकी बहुत सारी स्टोरी है जो हमने नहीं सुनी है। तो होपफुली बाकी जो हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं या बाकी मीडिया हाउसेज हैं वो इनकी स्टोरी को कवर करेंगे और इनको हमारे हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।